नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को इतनी बार बोनस दिया है कि आप अगर एक शेयर खरीदे होते इस कंपनी का आईपीओ के टाइम, तो आज आपके पास लाखों में शेयर होते। और आपको हम दिखाएंगे, एकदम चार्ट पर दिखाएंगे कैसे आपका एक शेयर लाखों शेयर होता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले बता दें, हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज है दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन नहीं जाता, नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम है। तो आप चैनल पर जाकर के वीडियो को जरूर देखिए। जैसे हमने आज डाला है कि स्टॉक मार्केट की सबसे बेहतरीन वीडियो, कि स्टॉक को बाय करने से पहले आपको कौन कौन से 10 पैरामीटर्स कम से कम देखने चाहिए। ऐसे और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको देखने चाहिए, लेकिन कम से कम 10 पैरामीटर कौन है जिस पे आपको स्टॉक को कंपेयर करना चाहिए, तब बाय करनी चाहिए। तो जाकर के आप चैनल पर देखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको नहीं गया होगा। ठीक है दोस्तों, हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिए बोनस सेक्शन में जाते हैं, कॉर्पोरेट सेक्शन में गए, यहाँ से बोनस में, और यहाँ पर देखते हैं 2019, 2017, 2010, 2005, 2004, इतना ही नहीं। चलिए आपको हम दिखाते हैं इसका, वो तो वहां पर आपको व्यू मोड पे जाना है, क्लिक करके और देखना है। यहाँ व्यू मोड, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। देखिए यहाँ पर 2019, 2017, 2010, 2005, 2004, 1997, 1995, 1992, 1992, 1989, 1987, 1985 और नीचे चलते हैं। यहाँ पर एक छूट गया है 1986 में स्टॉक स्प्लिट हुआ था, वो भी तो आपके लिए बोनस के जैसा ही है। तो यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट में जाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, स्टॉक स्प्लिट 1986 में ये हुआ था 100 से 10 में, फिर 1999 में 10 से 2 में। तो इस तरह से आप दो स्टॉक स्प्लिट भी है, जो कि आपको शेयर को 100 गुना कर दिया है स्टॉक स्प्लिट। और यहाँ से फिर 1981, 1971, तो समझ सकते हैं कितनी बार बोनस दिया है। ये 13 बार बोनस, 2 बार स्टॉक स्प्लिट। तो समझ सकते हैं, यहाँ पर गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2019, 13 बार बोनस, 2 बार स्टॉक स्प्लिट, 15 बार। जिस शेयर में 15 बार कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, वो भी अच्छे रेशियो के साथ। देखते हैं शुरुआत में रेशियो इसका काफ़ी बीच में काफ़ी गजब रहा था, जिसके कारण आपका शेयर काफ़ी टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। और ये मल्टीप्लाई होके कितना हो गया, ये भी आपको हम दिखाएंगे। चलिए इस एक शेयर आपका कितना शेयर हो गया, ये आपको हम दिखाते हैं। तो एक शेयर जो आपका कितना शेयर हो गया, ये आपको हम काउंट करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इन विप्रो शेयर। यहाँ पर हम विप्रो के इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को लिखे हैं, जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है। वहाँ पर आपने देखा था जो बोनस है वो 13 बार दिया है, लेकिन यहाँ पर 12 बार ही हम लिए हैं, क्योंकि हम 1980 से ले रहे हैं, 1970 से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उससे पहले स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं था विप्रो। तो यहाँ पर देखते हैं 1980 से हम काउंट कर रहे हैं, तो 1971 में जो बोनस दिया था वो इसमें काउंट नहीं होगा। ये ईयर है जब दिया है, ये कॉर्पोरेट एक्शन है, ये नंबर ऑफ शेयर है, और ये फेस वैल्यू आपका हम एक से काउंट करेंगे। अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट कर दिए रहते, क्योंकि उस समय 100 रुपया भी बहुत था, एक शेयर आप बाय कर लिए रहते, तो 1980 में इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक शेयर। और कॉर्पोरेट एक्शन कितना बार 1980 के बाद हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कुल 14 बार हुआ है, 2 बार स्टॉक स्प्लिट, 12 बार बोनस, 1 बार 1971 का उसको हम आउटसाइड कर दिए, उसको छोड़ दिए, क्योंकि हम 1980 से ले रहे हैं, जब से स्टॉक मार्केट में ये लिस्ट हुआ। तो यहाँ से 1980 में देखते हैं एक शेयर था आपके पास। अब देखिए बोनस 1:1, 2 शेयर हो गया, फिर 1:1, 2 का 4 हो गया, 2 गुना हो गया, क्योंकि 2 शेयर फ्री मिला। और फिर फेस वैल्यू 10 हो गया, 100 से 10, तो मतलब 10 के रेशियो में कम हुआ, तो आपका शेयर 10 गुना, 10, 4 को 10 से गुना कर दीजिए 40। फिर बोनस 1:1, 1 शेयर पर 1 शेयर फ्री, 40 पे 40 फ्री, 40+40 80। और फिर वही बात है, 1:1 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा, क्योंकि उतना ही शेयर फ्री मिलेगा, तो 160। फिर 160 को 2 से मल्टीप्लाई 320, फिर 1:1 तो 320 गुना 2, 640। फिर 2:1 मतलब 1 शेयर पे 2 शेयर फ्री, मतलब 1 शेयर हो आपके पास पहले से था, 2 शेयर फ्री मिल गया, तो 3 शेयर हो गया, 1 शेयर के जगह 3 शेयर, तो आपके पास इतना शेयर है, तो इसका 3 गुना तो हो जाएगा 1920। फिर 1999 में फेस वैल्यू 10 से 2 में
10 से 2 में स्प्लिट किया जाता है, मतलब 10 से 2 फेस वैल्यू 5 गुना कम किया जाता है, शेयर आपका 5 गुना हो जाएगा, 1920 गुना 5 9600। फिर 2:1 का बोनस, मतलब एक शेयर पे 2 शेयर फ्री, मतलब एक शेयर जहां था वहां आपका 3 शेयर हो जाएगा क्योंकि 2 शेयर फ्री मिलेगा, 3 गुना 9600 का 3 गुना 28800। फिर 1:1 का शेयर, मतलब 28800 का 2 गुना 57600। फिर 2:3, मतलब 3 शेयर है तब 2 शेयर मिलेगा, 3 शेयर है तब आपको 2 शेयर मिलेगा। ये देखिए आपके पास है 57600। अब यहाँ पर 2:3 का बोनस, मतलब ये जो पहले शेयर था आपको इस कॉर्पोरेट एक्शन से पहले, तो 57600, तो इसको 3 से भाग दे दीजिए, 3 से आप भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 से भाग दीजिए आप तो ये हो जाएगा, आप तो इसमें 3 से भाग दीजिए ये हो जाएगा 19200, 3 से भाग देने पर, तो कुल 19200 गुना कर दीजिए 38400 शेयर आपको फ्री मिलेगा इस पर 2:3 के रेशियो में, तो 38400 शेयर फ्री मिलेगा, इसमें जोड़ दीजिए 57600 में, तो कुल आ जाएगा आपको 96000। फिर 1:1 का बोनस तो हो जाएगा 1,92,000 शेयर। फिर आपको 1:3 के बोनस में, मतलब 3 शेयर पर 1 शेयर फ्री, तो 1,92,000 शेयर है तो इसमें 3 से भाग दीजिए उतना शेयर फ्री मिलेगा, तो ये हो जाएगा 64,000 शेयर फ्री मिलेगा, तो इसमें जोड़ दीजिए हो जाएगा 256,000 शेयर। तो एक शेयर से आप कितना आ गए 256,000 शेयर पे, आपने मामूली सा एक शेयर बाय किया था वो एक मामूली सा शेयर आपका हो गया 256,000 शेयर, एक मामूली सा शेयर आपने बाय किया था वो हो गया आपका 256,000 शेयर। अब 256,000 शेयर, 256,000 शेयर को आप अभी के वैल्यू से निकाल लीजिए, देखिए कितना होता है, तो आप 100 रुपया इन्वेस्ट किए 1980 में, अभी 256,000 हो गया, उसको 210 अभी एवरेज प्राइस मान लेते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.6 करोड़, तो समझते हैं 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी एक 5.6 करोड़ हो सकता है। साथ ही साथ आपको अभी 256,000 का डिविडेंड भी पर साल मिलेगा। तो ये था स्टॉक मार्केट का सबसे ज़्यादा बोनस देने वाली कंपनी विप्रो। तो विप्रो में आपका 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट बन गया कितना 5.6 करोड़। अब हम चलिए विप्रो कंपनी के सारे बैलेंस शीट और कॉर्पोरेट एक्शन तो हमने देख ही लिया, सेल्स को देख लेते हैं, कितना डेप्ट है सब चीज़ देख लेते हैं ताकि आप आगे के इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी इसमें अपना सकें। तो आपने कॉर्पोरेट एक्शन देख लिया कि फेस वैल्यू 2 बार स्प्लिट हुआ है, बोनस भी देख लिया और डिविडेंड भी यहाँ पर देख लीजिए 50% 50% 100%, कभी कभी तो 2-2 रुपये आपको डिविडेंड दे रही है ये कंपनी, तो समझ सकते हैं इतना बोनस और इतना डिविडेंड दोनों चीज आपको मिल रहा है। उसके बाद आप यहां पर सेल्स देख सकते हैं, कंपनी का सेल्स प्रॉफिट क्या है, तो सेल्स और प्रॉफिट आप देख लीजिए, प्रॉफिट यहां पर देख सकते हैं 2343, इससे पहले मतलब पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बात करें तो भी डिक्रीज हुआ है, तो प्रॉफिट में थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहा है, तो ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, तो अभी का सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही खराब है। उसके बाद बैलेंस शीट देख लेते हैं, तो ये है विप्रो का बैलेंस शीट, यहाँ पर विप्रो के बैलेंस शीट पे नीचे जाइएगा तो रिजर्व है 45,000 करोड़। तो कंपनियाँ वही कंपनियाँ बोनस देती है जिसके पास रिजर्व कैश बहुत ज़्यादा होता है, कैश और बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो रिजर्व देख सकते हैं 45,000 करोड़, लोन 5,000 करोड़, तो 45,000 करोड़ के सामने 5,000 करोड़ कुछ नहीं है, तो ये कंपनियाँ कभी भी अपना डेब्ट चुका सकती है, तो ये भी देखना है कंपनी के पास रिजर्व कितना है। उसके बाद डेब्ट, कैश और बैंक बैलेंस 10,000 करोड़, ये तो कैश और बैंक बैलेंस से ही अपना कर्ज चुका देंगे, इसलिए कंपनियां लगातार बोनस देती है क्योंकि कंपनियों का जो बैलेंस शीट है देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है। बुक वैल्यू देखिए, कंपनी का बुक वैल्यू लगातार देखते हैं उतार चढ़ाव बुक वैल्यू में देखने मिला है, कभी बुक वैल्यू काफ़ी बढ़ जाता है कभी थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ये था कंपनी जिसका हर चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे ही स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने के लिए सोचें। चलिए अब हम आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाते हैं विप्रो का, तो ये देख सकते हैं विप्रो का लॉन्ग टर्म चार्ट है, देख सकते हैं इसे चार्ट पर आप देखिएगा तो कुछ खास रिटर्न है, लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी देख सकते हैं लगातार प्राइस अप ट्रेंड ही है, लेकिन इसका चार्ट आप कुछ ज़्यादा मतलब जो है चार्ट पर देखिएगा तो रिटर्न आपको देखने नहीं मिलेगा, देख सकते हैं मात्र 1477% का,
मतलब 1500% का मात्र रिटर्न दिख रहा है। लेकिन आप जानते हैं ये कंपनियां इतनी बोनस देती है कि आपके एक शेयर को ही इतना मल्टीप्लाई कर देती है कि आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है उस पर कि आपको यहाँ पर चार्ट पर देखने से कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये ऐसे भी देख सकते हैं, ये चार्ट लगातार अप ट्रेंड में है, कंपनी में कभी कभी शेयर में गिरावट तो आया है, लेकिन वो कंपनी काफ़ी बार ये कंपनी जो है रिकवर कर चुकी है। हमने जो 5.6 करोड़ दिया दिखाया था आपको 210 रुपीज़ के प्राइस पर, यहाँ तो देखते हैं 270 रुपीज़ का प्राइस इसका है, तो आप समझ सकते हैं 6 करोड़ अभी भी होगा। जब ये प्राइस 52 वीक हाई पर कैलकुलेट करेंगे 288 रुपीज़ पर, तो ये 7 करोड़ के आसपास चला जाएगा। तो आपका 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट विप्रो में अभी 7 करोड़ या 6 करोड़ या 5 करोड़ इसके बीच वैरी करता। अभी आपको प्राइस थोड़ा सा अप और डाउन जाने से आपका जो वेल्थ है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके नंबर ऑफ शेयर काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो प्राइस के मूवमेंट से आपका वेल्थ भी काफ़ी फ्लक्चुएट होता है। तो यह था विप्रो, जो कि इन्वेस्टर को इतना अमीर बना दिया, इतना वेल्थ क्रिएट करके दिया इन्वेस्टर को कि कहा जाता है ये विप्रो जहाँ से स्टार्ट हुआ, जिस गांव के, महाराष्ट्र के जिस गांव से, वहाँ पे अभी भी जो बच्चे जन्म लेते हैं उसके नाम से कुछ शेयर विप्रो के बाय कर लिए जाते हैं, क्योंकि उस गांव के अधिकतर आदमी को जिन्होंने भी विप्रो में उस समय इन्वेस्ट किया सबको मिलीनियर बना दिया, सबको करोड़पति बना दिया। तो ये था विप्रो, जो कि स्टॉक मार्केट का सबसे ज़्यादा बार बोनस देने वाली कंपनी है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आगे यही कंपनी सबसे ज़्यादा बार बोनस देगी, आगे कौन सी कंपनियां आगे ग्रोथ करेगी, कौन सी कंपनियां मार्केट में ज़्यादा एडवांटेज प्राप्त करेगी, ज़्यादा ग्रो करेगी, ज़्यादा मतलब अर्निंग करेगी, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, वो कंपनियाँ आपको ज़्यादा रिटर्न और ज़्यादा बोनस दे सकती है। तो जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो से हो सकता है विप्रो रिपीट भी करे, या हो सकता है कोई नई कंपनी उभर के आए जो विप्रो के जैसा आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे। तो ये आपको ढूंढना है कि मार्केट में वैसी कौन सी कंपनी है जो विप्रो के जैसा एक मल्टीबैगर रिटर्न आगे भी दे सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।